को बता दें कि दिल्ली दौरे पर सीएम भजनलाल शर्मा इस समय मौजूद हैं। राइजिंग राजस्थान को लेकर दिल्ली में कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। निवेशकों से राउंड टेबल मीटिंग करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। राइजिंग राजस्थान रोड शो में सीपीएसई कॉन्फ्रेंस होगी। तो दिल्ली दौरे पर सीएम भजनलाल शर्मा इस समय लगातार राजस्थान में होने वाले राइजिंग राजस्थान को लेकर पूरी तरह से सक्रिय बने हुए हैं और इसी के चलते निवेशकों से राउंड टेबल मीटिंग भी आज सीएम करने वाले हैं। राइजिंग राजस्थान जिसको लेकर तमाम निवेशकों से, उद्योगपतियों से राउंड टेबल बैठक होगी, चर्चा होगी राजस्थान में किस तरह से इन्वेस्टमेंट आए और राजस्थान का विकास गति पकड़े, तो उसी को लेकर पूरी सक्रियता के साथ, तत्परता के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस समय दिल्ली में मौजूद हैं। सीपीएसई की कॉन्फ्रेंस भी होगी। राइजिंग राजस्थान के लिए सूबे के मुखिया दिल्ली में निवेशकों से राउंड टेबल मीटिंग करेंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे विशेष संवाददाता लाल सिंह फौजदार। लाल सिंह, इस समय मीटिंगों का दौर चल रहा है राजस्थान के लिए। राइजिंग राजस्थान एक बड़ा प्रोजेक्ट जो कि मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षा भी है कि बड़े स्तर पर हो, भव्य हो, क्या कुछ तैयारियां राउंड टेबल मीटिंग में होने वाली है? बिल्कुल, लगातार आज भी दिन भर राउंड टेबल मीटिंग का दौर जारी रहा है और अब जो तमाम राष्ट्रीय राजनयिक है उनकी मुलाकात का कार्यक्रम रहेगा और इससे पहले भी लगातार तमाम उद्योगपतियों से उनकी मुलाकात रही है। सुबह करीब 11 बजे से ये कार्यक्रम शुरू हो गया था और 8 बजे तक का शेड्यूल है लगातार मीटिंग का और अब शायद ये समय और बढ़ सकता है। इसके पीछे वजह ये है कि अचानक सीएम भजनलाल शर्मा को बाकी मुख्यालय गए और वहाँ बीएल संतोष से मुलाकात की है, तो करीब 1 घंटे में लग गया है, आधे घंटे की मुलाकात रही है जिसको बड़ा अहम माना जा रहा है क्योंकि राइजिंग राजस्थान के कार्यक्रम में बीच में अचानक उनको मैसेज आना और सीएम भजनलाल शर्मा का भाजपा मुख्यालय जाकर बीएल संतोष से मुलाकात करना अपने आप में बता रहा है कि बहुत अहम मुलाकात है। इसको संगठन के मुद्दों से, सत्ता और संगठन के मुद्दों से जोड़कर देखा जा रहा है, सदस्यता अभियान से जोड़कर भी इसको देखा जा रहा है। तो फिलहाल वापस मुलाकात के बाद वापस वो होते पहुंच गए और राइजिंग राजस्थान के जो आगामी कार्यक्रम है उनमें वो कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं क्योंकि अब राइजिंग के साथ जो राष्ट्रीय है उनके साथ जो मीटिंग उनकी राउंड टेबल मीटिंग है वो शुरू हो चुकी है और तो 8 बजे तक शेड्यूल लग रहा है कि 9 बजे तक ये बढ़ सकता है क्योंकि पूरा फोकस है सीएम भजनलाल शर्मा का राइजिंग राजस्थान को लेकर। इसलिए आपने देखा होगा अब तक का पूरा हम देखें, फीडबैक भी देखें तो बहुत ही बेहतर फीडबैक प्राप्त हो रहा है। उद्योगपति न केवल अप्रवासी राजस्थानी बल्कि राजस्थान और हिंदुस्तान की धरती से देश दुनिया में अपना व्यापार फैलाने वाले उद्योगपति भी राजस्थान की धरती पर अपना व्यापार स्थापित करना चाहते हैं। ये साबित होता है अब तक हुए 12.5 लाख करोड़ के एमओयू से। तो इसको लेकर लगातार सीएम भजनलाल शर्मा न केवल सक्रिय है, गंभीर है, बल्कि उनका एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं और आगे ये देखने को मिलेगा कि राइजिंग राजस्थान जैसे कार्यक्रम यानी कि इन्वेस्टर्स मीट के कार्यक्रम रूटीन कर दिए जाएंगे साल या 2 साल में, इस तरह की मीट आपको देखने को मिलेगी। जी ठीक है, अभी एमओयू तो साइन हो रहे हैं लाल सिंह, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि तमाम एमओयू धरातल पर उतरे और इसके लिए कोई टाइम बाउंडेशन या कोई लक्ष्य रखा गया है कि इतने समय तक ये काम पूरा किया जाएगा जैसे जैसे एमओयू होंगे कंपनियों से संपर्क करके? बिल्कुल सौरभ, क्योंकि पिछले जो इन्वेस्टर्स मीट हुई उनके अनुभवों से ये बात सीखने की है कि एमओयू हो जाते हैं लेकिन वो जमीन धरातल पर नहीं उतर पाते, या मैं कहूँ कि बहुत कम परसेंटेज उनका रहा है अब तक का। इसी को ध्यान में रखते हुए ये प्रयास किए जा रहे हैं कि हर एमओयू धरातल पर उतरे। इसके लिए 25 देशों के लिए आईएएस लगाए गए हैं, हर विभाग के लिए आरएएस लगाया गया है और आप देखिए लगातार हर कैबिनेट में जहां जहां भी ये हो रहा है, आप लोग पिछले कैबिनेट में देखिए जो सौर ऊर्जा के लिए प्लांट लग रहे हैं उनको जमीन आवंटित हो गई, उससे पहले आपको देखिए फिल्म सिटी के लिए जमीन का काम लगभग पूरा हो गया, उससे पहले और एक कैबिनेट में देखिए सौर ऊर्जा और खनन से संबंधित जो नीतियां थी उस पर मोहर लग गई। तो ये जो नीति पॉलिसी जो सरकार अपना रही है वो इसीलिए है कि किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आए, क्योंकि जमीन आवंटन में समय लगता है, फिर उस जमीन जहां आवंटित होती है वहां बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में समय लगता है। तो इसको गौर करके लगातार अब देखिए ये तैयारी यहां तक की है सौरभ कि अगर कोई कंपनी अपना उद्योग लगाती है उसको दूर दराज की उसको जमीन आवंटित हो जाती है तो वहां अगर पानी की दिक्कत है तो एक अधिकारी है जो पानी की दिक्कत है उसको दूर करेगा, बिजली है उसको दूर करेगा, सड़क का तंत्र अगर कंपनी उसको दूर करेंगे, बाकी अगर कोई सुविधाएं चाहते हैं उद्योगपति वो पूरी की जाएंगी। तो क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है सड़क, बिजली, पानी, सुरक्षा ये बड़े मुद्दे बन जाते हैं उद्योगपतियों के लिए और जब ये नहीं होते तो उनका
बोलना स्वाभाविक है। तो ऐसे में इनको दूर करने की तैयारी पहले ही भजनलाल सरकार कर चुकी है, तो उम्मीद है कि इस बार बेहतर रिजल्ट प्राप्त होंगे राज्य के राजस्थान। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद लाल सिंह इस तमाम जानकारी के लिए।